हेलो एवरीवन, आई एम शंभू कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। स्टूडेंट, तो जो हमने बीएससी का जेनरिक केमिस्ट्री में जो स्टार्ट किए थे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसी लेक्चर को आज हम आगे बढ़ाएंगे। और उसमें हमने पढ़ा था कि बर्थ थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसका पोस्टुलेट भी पढ़े थे, उसके बाद में उसका कुछ कैलकुलेशन के बारे में सीख रहे थे। तो जो उसमें कैलकुलेशन किए थे, पहले रेडियस फाइंड किए, उसके बाद में एनर्जी को फिर फाइंड किए, और आज जो हम पढ़ाएंगे उसमें वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो इसमें वेलोसिटी का फाइंड करने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट में मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन इसमें ऑर्बिट में मूव करता है, तो हम वेलोसिटी फाइंड करने से हमको यह पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है वह कितना स्पीड से मूव कर रहा है। तो चलिए उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। तो जो टॉपिक होगा वह होगा कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। इंडियन ऑर्बिट ऐसे फाइंड करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मूव करता है। तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, जो पहले उतना लिख लेंगे कि कंसीडर, लेटेस्ट कंसीडर, वो सब को लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ऑर्बिट में इस तरह कुछ मूव करता है, जो भी वेलोसिटी के साथ मूव करता है। यहाँ से यहाँ तक जो बीच की दूरी होता है निकुंज से ऑर्बिट की ओर, उसे आर के नाम से जानते हैं, यानी रेडियस होता है। और इसमें हम जो जेड बराबर वन लिए हैं फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए लिए हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए लिए तो इसमें जो होगा कंसीडर आर इज दी रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी इज दी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट जेड बराबर वन फोर हाइड्रोजन एटम। तो लिखें कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, तो इसमें जो आगे लिखेंगे, तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वह इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ा था वो होता है एम वी आर बराबर एन एच बाय टू पाई के बराबर होता है। तो इसमें हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी भी बराबर एन एच बाय टू पाई एम आर होगा। और यदि हम वेलोसिटी भी बराबर एन एच बाय टू पाई आर होगा, और यदि हम इसमें आर का वैल्यू पुट करते हैं, जो आर होता है रेडियस, और रेडियस को हमने पहले फाइंड किया था पिछले क्लास में। तो यदि हम आर का वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो मेरा जो वेलोसिटी होगा वह वेलोसिटी निकल जाएगा। तो जो आर का वैल्यू होता है वह होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर पाई स्क्वायर ई एम जेड। जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वह एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम जेड होता है, जहाँ एम मास है और जेड है एटोमिक नंबर हाइड्रोजन एटम के लिए, ई इलेक्ट्रॉन है, और पाई का वैल्यू 3.14 होता है। और जो एच है प्लैंक्स क्वांटम है, एन है और नंबर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी ऑर्बिट है। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम
एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल, मल्टीपल बराबर होता है एम भी आर बराबर एन एच बाय टू पाई। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, एम भी आर बराबर एन एच बाय टू पाई। यदि हम भी का वैल्यू निकालेंगे तो होगा एन एच बाय टू पाई एम आर। इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, उसके बाद नाउ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम। अब हम यदि हम आर का वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो जो मेरा वेलोसिटी होगा वह वेलोसिटी निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो पुटिंग द वैल्यू आर इन इक्वेशन वन, तो चलिए इक्वेशन वन में पुट करते हैं भी बराबर एन एच बाय टू पाई एम, और जो एम का वैल्यू है आर का वैल्यू उसको पुट करते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय फोर पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम। उसके बाद यदि हम इसका रेशनलाइज करेंगे तो जो फोर पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम स्क्वायर है वह ऊपर चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा भी बराबर एन एच बाय टू पाई एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू फोर पाई स्क्वायर जेड डी स्क्वायर एम। तो यहाँ से दो दो कटेगा और एक पाई कटेगा एम एम से कटेगा, और जो एन स्क्वायर एच स्क्वायर वाई एक एन एच से कटेगा। तो जो भी आएगा वह भी बराबर टू पाई जेड ई स्क्वायर बाय एन एच। तो जो एन निकला वह वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला कि इलेक्ट्रॉन जो इतना वेलोसिटी टू पाई जेड ई स्क्वायर एन एच स्क्वायर वेलोसिटी से ऑर्बिट में मूव करता है भी इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई बराबर चार्ज पार्टिकल एच बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सब का वैल्यू हमने पिछले क्लास में बता दिया था। तो चलिए जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा उसको आज फाइंड किए, उसके बाद में फिर अगला क्लास में हम इसका जितना भी पढ़ा है उस सब का एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो जितना पढ़ा है बोर्स एटॉमिक ने बोला था अपने मॉडल्स में जो पोस्टुलेट के बारे में बोला था, तो उसी का यूज हम अगला क्लास में करेंगे एप्लीकेशन के रूप में। उसके बाद में फिर लिमिटेशन पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं।